अजमेर में हुई तेज बारिश के बाद अनासागर की ऐतिहासिक झील लबालब हो गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने उसके चैनल गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। ऐसे में तेज गति से चल रहे पानी के बीच मासूम जिंदगियां मछलियों की तलाश में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हैं, तो वहीं खानाबदोश व अन्य बच्चे तेज बहाव के बीच मस्ती कर हादसे को नियंत्रण दे रहे हैं। जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अनासागर के बजरंगर चौराहे पर स्थित स्केप चैनल से 2 से 2.5 तक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है और इसी प्रेशर के बीच बच्चे नहाने और मस्ती करने के साथ ही मछुआरे बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर मछलियां बीन रहे हैं। इस दौरान 1-2 मछलियों के लिए एक बड़े हादसे को दावत दी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं की जा रही, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने का खतरा नजर आ रहा है। वहीं पानी की तेज आवक के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आ रहे, ना ही बैरिकेडिंग की गई और ना ही सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। ऐसे में बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। एसकेवी टीवी के माध्यम से लोगों के साथ ही जिला प्रशासन को भी अपील है कि वह तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहे, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। गुरुवार के दिन बहुत तेज बारिश आई थी, बहुत हालत खराब हो गई थी, सब जगह पानी पानी आ गया था और यहाँ भी पीछे भी चद्दर चालू है, बहुत तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। बच्चे यहाँ के यहाँ जो बच्चे फुटपाथ पे सोते हैं वो नहा रहे हैं, यहाँ पे उनकी जिंदगी खतरे में, उनको समझाते हैं, भगाते हैं, वापस आ जाते हैं, नहाते हैं, हम क्या करें, हम तो दुकान लेके बैठे, उनको बार बार समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं। हाँ, किसी का हाथ पांव टूट जावे, कोई मर जावे, कल भी एक बच्चा डूबते डूबते बचा है, अब हम क्या क्या कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। ये बजरंगर बजरंगर चौराहा है, बजरंगबली का मंदिर है, बच्चे बस यहीं के, ये फुटपाथी बच्चे हैं, यहीं के सोने वाले हैं। फुटपाथी रोज अब देखते तो रोज है पानी भरे, कभी मछलियाँ पकड़ते हैं, नहाते हैं, किसी को लग जावे, कोई मर जावे, हाँ कभी भी आशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतनी तेज रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, जो जिसको तैरना आता है, स्विमिंग करनी हो, वही वही मर जा सकता है। हाँ, कल कुत्ता कुत्ता मरते मरते बच्चा है कुत्ता।